What is up, guys? This is Swatantra Yadav and welcome back to my channel. तो यार फेस्टिवल सीजन है तो सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली. इसी बात पे चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर आपको अपने व्लॉग्स को सिनेमैटिक बनाना है तो यू डेफिनेटली नीड सम गैजेट. एंड मैंने अपने व्लॉग्स के लिए रिसेंटली परचेज किया है DJI का ऑस्मो मोबाइल 4 गिम्बल. आने वाले वीडियोस में आप जो सिनेमैटिक शॉट्स देखेंगे वो इस गिम्बल से शूट किए होंगे. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या, ये गिम्बल ऑनलाइन आपको मिलेगा समवेयर अराउंड 13,000 का, लेकिन मैंने इसे बाय किया है 9,500 में. कैसे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. फिलहाल तो करते हैं यार इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं क्या है इस बॉक्स के कंटेंट्स एंड कुछ अमेजिंग फीचर्स. इसके अलावा मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में जो बजट गिम्बल्स के लिए होंगे रेंजिंग फ्रॉम 4,000 to 9,000 एंड इस ऑस्मो मोबाइल 4 गिम्बल का भी. इसके अलावा आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा एक सिनेमैटिक वीडियो जो कि मैंने इस गिम्बल से शूट किया हुआ है अपने घर के दिवाली डेकोरेशन के. कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड. अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास है ये बॉक्स जिसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है और एक बॉक्स अंदर जिस पे लिखा है क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट्स. इस बॉक्स के अंदर क्या है वो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल देखते हैं बॉक्स के दूसरे कंटेंट्स. सो हमें बॉक्स में फिर मिलता है एक ट्राइपॉड जिसको आप यूज़ करके इस पर माउंट कर सकते हैं गिम्बल को टू टेक टाइम लैप्स या फिर हाइपर लैप्स. फिर हमारे पास है ये क्लैंप जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल लगाने के लिए. इसमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है फ़ोन कैमरा दिस डायरेक्शन, तो आप उसे देख के यहाँ पे इस क्लैंप को अपने फ़ोन में लगा सकते हैं. अगर आपका फ़ोन पतला है तो आप ये पैडिंग यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में पहले लगा के, फिर आप ये क्लैंप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं. उसके बाद मिलता है हमें ये केबल जो है USB Type-A to USB Type-C जिसको आप गिम्बल चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड गिम्बल से फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फिर हमें मिलता है अपना ये गिम्बल जो कि है फोल्डेबल और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है वैसे देखने में. इसे हम सेटअप करेंगे बाद में, पहले देखते हैं अपने दूसरे. कमिंग टू दिस बॉक्स, ये बॉक्स में है हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रैप जिसको आप गिम्बल में अटैच करके यूज कर सकते हैं. आपको मिलता है कैरी बैग, दिस इज ऑल यू गेट इन द बॉक्स फॉर कैरिंग अ गिम्बल. चीजें जिसको आप यूज कर सकते हैं अपना ये रिंग होल्डर माउंट करने के लिए. यहाँ पे आपको मिलता है अलाइनमेंट गाइड जिसको आप फोन पे लगा के आप ये रिंग होल्डर उस पर माउंट कर सकते हैं. एंड देन हमें मिलता है कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड सेफ्टी गाइड एंड इंस्ट्रक्शन, यूजर गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड जिसको आप यूज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी अनबॉक्सिंग. लेट्स डू अ क्विक सेटअप एंड सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस गिम्बल. सो फाइनली मैंने कर लिया है सेटअप और फिलहाल मैंने इसको रखा है ये ट्राइपॉड स्टैंड पे. लेकिन इसके कंट्रोल्स और फीचर्स एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने क्लैंप को फ़ोन में किस तरीके से लगाया. तो ये क्लैंप आपको फ़ोन में एकदम सेंटर में लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था इस रिंग होल्डर को अपने फ़ोन में लगाने के लिए, लेकिन आप ये रिंग होल्डर को अपने कवर में लगा सकते हैं मोबाइल श्योर. अगर ये आप क्लैंप अपने फ़ोन कवर्स के कवर के साथ यूज़ करें तो चांसेस है कि क्लैंप उसमें से स्लिप हो जाए. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लैंप यूज़ करें तो बिना कवर के यूज़ करें, और अगर आपको रिंग माउंट लगाना है तो आप इसे अपने मोबाइल कवर में लगा सकते हैं. तो यार अब देखते हैं कि हमें इस फ़ोन को इस गिम्बल पे लगाना कैसे. यहाँ पे आपके क्लैंप में यहाँ पे आपको मिलेगा एक डॉट, इस डॉट को आपको इस मोटर के डॉट से अलाइन करके बस ऐसे छोड़ देना है और दैट्स इट गिम्बल पे. अब आपको करना है इसे स्टार्ट. स्टार्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक पावर बटन जिस पे M भी लिखा हुआ है, आप उसे प्रेस करके रख सकते हैं और आपका गिम्बल हो जाएगा स्टार्ट. जब भी आपका गिम्बल स्टार्ट होगा ये होगा पोर्ट्रेट मोड में. हालांकि बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये मोड क्योंकि आप इससे इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर रील्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको इसका मोड चेंज करना है तो आपको इस मोड बटन को दो बार प्रेस करना है एंड फिर ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप मोड में.
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक है कैमरा कंट्रोल के लिए बटन, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक कंट्रोल, जिससे आप अपने गिम्बल का मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट गिम्बल के लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलता है एक पुश बटन, जिसको आप ऊपर पुश करके जूम इन कर सकते हैं और नीचे पुश करके जूम आउट कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग। गिम्बल के पीछे है ये ट्रिगर बटन, जिसको आप अगर एक बार प्रेस करते हैं तो गिम्बल का ये वाला मोटर लॉक हो जाएगा एंड यू कैन टेक सम स्टेबल शॉट्स इन दिस लॉक मोड। अगर आपको आपका गिम्बल रियलाइन करना है तो आप इस ट्रिगर बटन को दो बार प्रेस कर सकते हैं और ये आपका गिम्बल रियलाइन हो जाएगा। इस ट्रिगर बटन को आप तीन बार प्रेस करके स्पोर्ट्स मोड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थे सारे कंट्रोल्स और बटन्स हमारे गिम्बल में। अब देखते हैं क्या हमें इम्पोर्टेंट फीचर्स मिलते हैं अपने DJI Mimo ऐप में। यार बात करते हैं DJI OM4 के फीचर्स की, तो यार स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको ऑलमोस्ट सारे गिम्बल्स में मिल जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि उस गिम्बल के साथ क्या मोड्स और क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे DJI OM4 में आपको मिलते हैं कुछ फोटो मोड, वीडियो मोड और हाइपरलैप्स, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लैप्स में आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप गिम्बल का पाथ सेट कर सकते हैं और वो डायरेक्शन में घूमते हुए गिम्बल जो है वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता है। आई विल शो यू एन एग्जांपल। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है टाइम लैप्स मोड, और टाइम लैप्स मोड में आपको पहले मिलता है इंटरवल, जहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपके टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते टाइम आपका ये कैमरा जो है वो कितने सेकंड्स पे टाइम लैप्स शॉट्स लेगा। फिर आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन की, कितने मिनट के लिए आपको लेना है टाइम लैप्स, एंड आप सेट करते हैं गिम्बल के पाथ, जो कि आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट सेट करने हैं पाथ के लिए। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वो है डायनाजूम। डायनाजूम के अंदर क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं फ्रेम में, सेलेक्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट स्टिल रहता है और उसके अलावा जो फ्रेम में चीजें हैं वो या तो मूव इन होते हैं या फिर मूव आउट होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन यू चूज। आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ दिस एज वेल। डायनाजूम में हमको मिलते हैं दो इफेक्ट्स, एक है मूव आउट इफेक्ट और दूसरा है मूव इन इफेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं मूव इन इफेक्ट में, आप गिम्बल के साथ उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, और मूव आउट इफेक्ट में आप गिम्बल के साथ उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं मूव आउट इफेक्ट एंड ट्राई करते हैं एक शॉट लेने की। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है प्लांट को। प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस प्लांट से दूर जाएंगे अलॉन्ग विद द गिम्बल। तो क्लिक करते हैं रिकॉर्ड बटन पे और जाते हैं इस ऑब्जेक्ट से दूर। देखते हैं यह शॉट कैसे आया है। पैनो मोड को 3 गिम्बल मूव्स मिलते हैं और उस मूव के अंदर आपको फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखना है और वो तीनों फ्रेम को कनेक्ट करके ये एक पैनोरमिक शॉट क्रिएट करता है। आई विल शो यू हाउ इट डज दैट। तो पैनो मोड में आपको मिलता है अपने गिम्बल का 180 डिग्री मूवमेंट और 3 फ्रेम्स। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने फर्स्ट फ्रेम में और हमने अपने रख दिया है ग्रूट, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर टू क्लिक योर फर्स्ट पिक्चर। और आपका फर्स्ट पिक्चर क्लिक होने के बाद सेकेंड फ्रेम के लिए आपको वापस से मिलते हैं 5 सेकेंड्स, एंड मैंने अपना प्यारा ग्रूट यहाँ पे रख दिया और क्लिक कर लिया है सेकेंड पिक्चर। और थर्ड पिक्चर के लिए वापस आपको मिलते हैं 5 सेकेंड का टाइम एंड देन टू क्लिक योर थर्ड पिक्चर, एंड देन जो फाइनल जो आपका पैनोरमिक शॉट आता है वो कुछ ऐसा आता है। और फिर जो लास्ट एंड फाइनल मोड है वो स्टोरी मोड। स्टोरी मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है आई विल शो यू डायरेक्टली। तो यार स्टोरी मोड में यहाँ पे आपको मिलते हैं काफ़ी सारे इफेक्ट्स। तो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आफ्टरनून इफेक्ट है। आफ्टरनून इफेक्ट के अलावा आपको मिलते हैं कुछ लूसी इफेक्ट, ब्रिस्क इफेक्ट, स्पोर्ट इफेक्ट, जैज एंड रिदम इफेक्ट। तो रिदम इफेक्ट को फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 अलग अलग टाइम फ्रेम्स, और इस टाइम फ्रेम में आपके शॉर्ट्स रिकॉर्ड होकर जो एंड में आपको मिलता है वो कंपाइलेशन होता है चारों शॉर्ट्स का इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो फिलहाल के लिए हम करते हैं 3.2 सेकंड सेलेक्ट और लेते हैं अपना फर्स्ट शॉट, एंड देन हम लेते हैं अपना सेकंड शॉट वापस 1.9 सेकंड का, थर्ड शॉट लेते हैं यार 1.9 सेकंड्स का यहाँ पे, एंड देन फाइनल शॉट लेते हैं 2.7 सेकंड्स का, एंड जो फाइनल कंपाइलेशन है हमें कुछ ऐसे दिखता है यार स्टोरी में। तो
तो यार अब लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ये मैग्नेटिक माउंट कितना रिलायबल और सेफ है। तो आई वुड से गिम्बल बाय करने से पहले मेरे मन में काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस माउंट को लेके, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया और यूज़ किया तो आई फेल्ट लाइक यार ये काफ़ी सेफ और रिलायबल है। जब तक कि आप इसे बहुत ज़ोर से कोई धक्का या फिर पुश नहीं मारते हैं तब तक मेरे ख्याल से मैग्नेटिक माउंट नहीं निकलता। यार सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में ये हो सकता है कि यार शुड आई बाई दिस गिम्बल और नॉट। आई वुड से कि अगर आपके पास ऑलरेडी DJI का ऑस्मो मोबाइल 3 है तो सेव योर मनी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपके पास कोई गिम्बल नहीं है और आप DJI का प्रेफर करना चाहते हैं तो दिस इज़ डेफिनेटली अ बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट राइट नाउ। आई वुड से कि कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आपको कुछ मेरे से सिमिलर डील मिल रही है जैसे 9.5K में मैंने लिया तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे यार कि ये गिम्बल मैंने 9.5K में कैसे लिया। तो यार इस गिम्बल का जो प्राइस है वो ऑनलाइन है अराउंड 13,000 रुपये एंड फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था तो वहाँ पे इसका कॉस्ट हो गया था अराउंड 11,000 रुपीज़ ड्यू टू द सेल। और मेरे पास SBI का कार्ड है तो उसके वजह से इस पर मुझे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिला जिसके वजह से इसका कॉस्ट हो गया था अराउंड 9,909। फिर मेरे पास थे कुछ फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स जिसको मैंने यूज़ किया और ये गिम्बल मुझे पड़ा अराउंड 9.5K में। सो दिस इज़ हाउ आई बॉट दिस गिम्बल फॉर 9.5K। अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस प्राइस रेंज में गिम्बल मिलता है आई वुड से डेफिनेटली गो फॉर इट, इट इज़ अ बेस्ट गिम्बल राइट नाउ इन द मार्केट एंड फॉर 9.5 तो डेफिनेटली यू शुड बाय। सो फॉर दिस वीडियो लेट्स एंड, लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी कमेंट्स राइट इट डाउन, लिख दीजिए कमेंट नीचे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।